ओके तो गाइज अभी हम आए हैं यहाँ पे, अगर आपको व्यू दिखाऊं ना तो बहुत तगड़ा व्यू है यहाँ पे। अगर आपको एक बार दिखाऊं, देखो ये है हमारे गांव से कुछ दूर जो एक नदी है और इसको बोलते हैं हमारे शब्दों पट परे। और आज हम यहाँ पे नहाएंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। और आज हमारे साथ में है ये रियलमी 12 प्रो प्लस और आज हम इसका ओवरव्यू आपको देने वाले हैं। मतलब आज इसको मैं दिन भर यूज करने वाला हूँ, सब कुछ करूंगा। पहली बार ज्यादा से ज्यादा मैं फोटोज निकालूंगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा और जितनी भी चीजें कर पाऊंगा दिन भर में इस फोन के साथ करने वाला हूँ। तो अगर आप ये फोन लेना चाहते हो तो आज इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि एक्चुअली भी ये फोन कैसा है, क्योंकि आज दिन भर मैं इस फोन के साथ बिताने वाला हूँ तो आपको मैं क्लियर तरीके से बता सकता हूँ कि ये फोन एक्चुअली में कैसे है। तो व्यू तो आपने देख लिया, बट आज आप इस फोन की भी कुछ चीजें देखेंगे जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। चलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आइए इसके साथ थोड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ाते हैं। ओके तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम बहुत चीजें सोचे, बट एक चीज मैं सोच रहा हूँ कि ना चेक करा देता हूँ आपको इसका कैमरा, क्योंकि कैमरा के लिए स्पेशली ना इसको बेस्ट बोला जाता है 130 के। अब जो अभी आप वीडियो देख रहे हो फ्रंट साइड से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये रियलमी 12 प्रो प्लस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दिखाऊँ तो भाई अभी मैं यहाँ पे नदी में, तो इसको अभी पार कर रहा हूँ, तो अभी आप देख सकते हो जो अभी क्वालिटी है ना एकदम बिल्कुल रॉ तरीके से दिखा रहा हूँ, जैसे आप अपने रियल लाइफ में रिकॉर्ड उकॉर्ड करते हैं वैसे है। बट एक दिक्कत है, फ्रंट साइड आपको 1080p 30fps मिलता है, कोई 60 भी नहीं मिलता और 4K की तो बात हटा ही दो, यहाँ पे वो दिक्कत आपको थोड़ा फील होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। और देखो यहाँ पे ना अगर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में शोर मच रहा हो, तो यहाँ मैं बता दूँ जो पानी की लहरें हैं इसकी वजह से आपको थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि भाई ऐसी आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही हो। और देखो अभी तो मैं बिल्कुल किनारे पर हूँ, तो आप इससे माइक का भी अंदाज़ा लगा सकते हो भाई माइक वगैरह इसका एक्चुअली में कितना ज़्यादा अच्छा है। और इधर देखो भाई, इधर हम लोग कुछ जुगाड़ करके लाए थे अपने साइड से। ओके तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे सारा कुछ जुगाड़ पानी हो गया, क्योंकि आप अगर देखेंगे दोना होना बहुत ज्यादा झटक लिया, तो समोसा कमी था तो खा पी लिए हैं। और जो अभी आप देख रहे हो ये ना, ये वीडियो 4K 30fps में है और स्टेबिलिटी का पता आप कैसे रहेगा आपको अभी दिखाता हूँ। थोड़ा चल के बाहर आओ, बाहर निकलो पानी से थोड़ा बताए। गाइज अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो थोड़ा लहर थोड़ा वो उसके साथ में, आओ चल के आपको दिखाते हैं कैसे इसकी वीडियो है। तो कुछ ऐसे आप देख रहे हो जो वीडियो ना भाई, ये टेक में शायद ही कोई करता होगा ऐसे कि भाई आपको इतने खुले आम अपनी प्राइवेसी को ब्रेक कर रहा है कोई ऐसे, तो ये देख सकते हो आप ऐसी कुछ आपको स्टेबिलिटी क्वालिटी मिलेगी। और सीधा सन मेरे ऊपर है, जैसे आपको लाइट वगैरह वगैरह आपको दिख रहा हो तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वीडियो HDR वगैरह कैसे बैलेंस करता है ये फोन, आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई दौड़ो थोड़ा दौड़ो। भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो, हो गया चलो चलो। अरे और अभी आप देख सकते हो भाई, अभी ना पैर और बहुत तेज जल रहा है क्योंकि नीचे पत्थर है और यहाँ पे मेरे जो ऊपर ना सन लाइट है और आप अभी अपोजिट लाइट में वीडियो देख रहे हो, तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस फोन में कैसी वीडियोस की क्वालिटी वगैरह आती है। तो आओ चलते हैं अब नहाने गुरु नदी में, कुछ फोटोज वगैरह लेंगे और आपको दिखाएंगे। तो आओ चलो भाई अभी और भी ज़्यादा प्राइवेसी को ब्रेक करते हैं थोड़ा, क्योंकि नहाने वहाने आए हैं भाई, रियल लाइफ में हम अपने ऐसे ही रहते हैं तो वही आपको चीज़ें दिखा रहे हैं, कोई वैसी चीज़ नहीं है कि आपको मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा रहा हूँ, बस रियल लाइफ में जैसे रहते हैं उसी बेस पे वीडियो है। तो मैं सोचा कि इस वीडियो को थोड़ा रियल बनाया जाए, रियलिस्टिक तरीके से आपको चीज़ें दिखाया जाए। तो आओ चलते हैं भाई, इस एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी आप वीडियो देख रहे हो बट भाई देखो इसमें IP68 की प्रॉपर रेटिंग नहीं है, बट आपको पानी का नज़ारा दिखाते हैं रियलमी 12 प्रो प्लस में। आप ऐसा मत करें क्योंकि इसकी ना वारंटी नहीं होती है भाई कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिस है, बट मैं कर रहा हूँ अपने रिस्क पे क्योंकि मेरे दोस्त का फोन है भाई, मजाक से हटके। ये वाला जो अभी आप क्वालिटी देख रहे हो ना, ये अंदर पानी के अंदर का सीन था भाई, मेरे दोस्त का फोन है, सॉरी फॉर दिस, ये इसका फोन है, इसका फोन है भाई। अब देखो अभी ना अभी फोटोज खींचने की बारी है, अभी फोन मैंने हाथ में दे दिया है और थोड़ा प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आओ यहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह कुछ फोटो वगैरह लेते हैं, जैसे हम अपने रियल लाइफ में कुछ फोटो वगैरह लेते हैं, पानी वगैरह हो गया अपनी मेमोरी की वजह से कलेक्ट करना होता है। तो आओ आओ चले आओ, अभी देख रहे हो ये कुछ नहा रहा है, ये फोटोज ले रहा है, तो आपको सारी फोटोज दिखाते हैं भाई एक एक करके। तो अभी भाई फोटोज लो इन लोगों की, थोड़ा
दिखाओ कैसे यार फोटो वगैरह आती है। वैसे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, पानी के अंदर वाली चीज दिखाऊं। वैसे ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही मतलब ये मैं सोच रहा हूँ कि रियलमी की ये क्वालिटी है, ये वाली जो क्वालिटी है ये वाली ना, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मैं iPhone 12 Pro से कर रहा हूँ भाई। तो ये Realme की क्वालिटी नहीं है, Realme जो फोटो वगैरह क्लिक कर रहा है वो आप यहाँ पे लगातार देख सकते हो। मैं आप पे लगातार फोटो डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी साफ पानी अगर मैं दिखाऊं ना, तो ये पानी आप पी सकते हो भाई। ये है इस पानी की खासियत, और इसलिए भाई हम रहते हैं अपने गांव में। तो जो अभी आप ये सारी फोटोज देखे हो ना, ये मैं Realme 12 Pro Plus से शूट किया हूँ भाई ये फोटो। तो आपको Google Drive का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार अपने से भी देखना कि रियल लाइफ में कैसी फोटोज वगैरह आती है इसमें। बाकी देखो अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा। अब नॉर्मल मोड, पोर्ट्रेट मोड में जितनी भी फोटोज मैं ले रहा हूँ ना, सब आपको दिखाया हूँ। और यही सब फोटोज है भाई, यही सब फोटोज आप जाके अपने गूगल ड्राइव में देख सकते हो। ज्यादा नहीं, बहुत मार खाओगे। अब देखो जो अभी आप फोटोज वीडियोस देखो, मैं Realme 12 Pro Plus का यूज करके आपको दिखा हूँ। अब ये तो हमारे जो डेली लाइफ में चीजें हो रही थी वो मैं आपको दिखाऊं, बट देखो इसी फोन का यूज करके मैं गया था बनारस घूमने, हमारे स्थान से काफी पास में है, तो वहाँ पे मैंने कुछ फोटोज वगैरह ली थी। एक मॉडल थी वहाँ पे उनकी, काफी मस्त मस्त फोटोज आई थी, और इसी फोन का मैं यूज करके लिया था। आप देख सकते हो ये सारी फोटोज मैं वहाँ पे शूट किया भाई, मुझे एक्चुअली में काफी अच्छा लग रहा है। लग रहा है भाई ये प्रोफेशनल कैमरा वगैरह फोटोज ली गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे आपको क्वालिटी का अंदाजा लग रहा होगा। बाकी यहाँ पे अगर वीडियो की बात करें तो वहाँ पे मैं एक वीडियो भी बनाया था यहाँ पे उन्हीं मॉडल का, तो आप देख सकते हो ये कुछ रही वीडियोस। तो ये तो हमारे डेली लाइफ का पार्ट था, बट यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाया आपको, बट वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो कैप्चर किया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी देखो इस फोन में अगर बताऊँ क्या चीज़ मुझे बेकार लगी, क्योंकि अभी जब मैं घर से इसको चार्ज करके निकला था लगभग 80% था, बट जैसे ही नदी में गया वहाँ पे ये फोन ना काफ़ी ज़्यादा हीट करने लगा, और इतना हीट करने लगा कि मुझे स्विच ऑफ करना पड़ गया, बिकॉज कि मैं कैमरा ऑन किया था और एक तो धूप थी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था, जिसकी वजह से बैटरी वगैरह बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी। तो अगर मैं अगर एक चीज़ बताऊँ आपको, तो जैसे नॉर्मल फ़ोन, जैसे मैं अभी अगर बताऊँ तो मैं Realme 10 Pro Plus का यूज़र रह चुका हूँ काफ़ी पुराना, और ये फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब ये नया आता तभी का लिया हूँ, और इसकी बैटरी मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है इससे, क्योंकि ये फ़ोन हीट भी होता है तो उतनी जल्दी बैटरी ड्रेन नहीं होती जितना इसकी हो रही, तो बैटरी ड्रेन मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम लगा अब जितने दिन से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, वो एक चीज़ मुझे लगी है। बाकी ये हीट भी ज़्यादा कर रहा है अभी के टाइम पे, हालांकि जब मैं ये वाला फ़ोन लिया था ना तब ये भी शुरुआत में हीट कर रहा था, बट सॉफ्टवेयर के थ्रू चीज़ें फिक्स हो गई, तो अभी इतना ज़्यादा हीट उट नहीं करता, अभी सही चल रहा है। बाकी ये अभी मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू इनको फिक्स करने की ज़रूरत है, ये कुछ ज़्यादा ही मुझे हीट लग रहा है। वैसे मैं पानी वगैरह बोर दिया था ना, तो इसका ना फॉग वगैरह जम गया है कैमरे वगैरह में, और स्पीकर वगैरह में पानी चला गया, तो ऐसा रिस्क आप मत करना अपने फ़ोन के साथ, भले ही आप ये फ़ोन लें, क्योंकि देखो इसमें कोई आपको वारंटी वगैरह नहीं मिलती अगर आपका फ़ोन पानी में जाने से बेकार वगैरह हो जाता है, तो ये चीज़ आप अपने रिस्क पे करना। मैं तो कहूँगा भाई आप फ़ोन लियो चलाने के लिए, ऐसी चीज़ें मत करो जब ब्रांड खुद ही आपको नहीं अलाउ कर रहा है ऐसी चीज़ें करने के लिए। तो बस वीडियो बस इतना ही थी, उम्मीद करता हूँ आप मेरी डेली लाइफ से थोड़े बहुत इस फ़ोन को जज कर पाए होंगे कि इस फ़ोन को लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वैसे अभी भी जो आप वीडियो देख रहे हो ना, यहाँ पर मैं शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं घर जा रहा था, सोचा आपको ना एक कंक्लूजन दे दूँ, तो इसी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। बस वीडियो बस इतना ही थी, अगर आपको थोड़ा जज करने में आसानी हुई हो इस वीडियो से इस फ़ोन के बारे में, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेगा हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।